Dear friends, you all are welcome in our YouTube channel, that is informative of transversal line exhibition. इसी चैनल में हम लोग प्रॉप का डायर कैसे कैलकुलेट करना है थियोरेटिकली हम लोग ऑलरेडी बनाया है, अपलोड भी किया है. अभी हम इसको एग्जाम्पल का से एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो दैट इट शुड बी इन लाइन विद द थ्योरी. इधर जाने से पहले जस्ट एक बार एक जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के थोड़ा बोल देते हैं. ये स्टब है, दिस इज स्टब, ये प्रॉप, ये स्टब का पर ये प्रॉप यहाँ फिक्स्ड है, प्रॉप इधर फिक्स है. ये स्टब का तीन एक्सिस है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. स्टब है ये पॉइंट, यहां से स्टब का वेट काम कर रहा है, ये सीजी, दिस इज सीजी. जैसा मैं पहले वीडियो में बोला कि पिन जॉइंट है, इसलिए दोनों रिएक्शन काम करेगा, परपेंडिकुलर टू द प्रॉप एंड पैरेलल टू द प्रॉप. ई पॉइंट में ये आर ए वाई आर एक्स है, बी पॉइंट में आर बी वाई है. अच्छा होता इधर आर बी एक्स लिख सकते हैं. ये वेट ऑफ प्रॉप है, इसको दोनों में हमने कंपोनेंट को रेजुलेट किया है अलोंग द प्रॉप, डब्ल्यू पी साइन अल्फा परपेंडिकुलर टू द प्रॉप, डब्ल्यू पी कॉस अल्फा. ये कैसे आया वो वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया. अभी इसमें हम यहां ड्राइंग से डेटा लिया है, ये टेन अल्फा है जो टावर स्लोप है, ये 0.18353, इसलिए इसका अल्फा 10.69 है. आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो आपने देखा होगा कि इसका जो सेकंड स्लोप है टेन बीटा इक्वल टेन अल्फा रूट टू, या कहता है बीटा 40.55. हमको जो प्रॉप का लेंथ है 4 मीटर, यह हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा था, वही डेटा यहाँ हमने डाला. ये स्टाफ का वेट है 70 kg, ये स्टाफ जो है एक स्टाफ लगेगा वो 70 kg है. ये रोम एमएस मतलब डेंसिटी ऑफ एमएस 7850 kg/m³. ये है यंग मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील, ये लिया 215 जीपीए गीगा पास्कल. ये सिग्मा टी अलाउबल माइल्ड स्टील के लिए 400 एमपीए, टाउ अलाउबल माइल्ड स्टील 240 एमपीए, सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील 250 एमपीए, और सिग्मा सी कंप्रेसिव फोर्स मैक्सिमम 160 एमपीए. ये डेटा थोड़ा आप लोग एक बार इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है ये डेटा. अभी सर ये डेटा मतलब 6 से 10 तक डेटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है वैल्यू. अभी हमने क्या किया, ये WS को तीनों में हमने रेजुलेट किया, ये रेजुलेट किया, ये है हमारा WS, ये WS है हमारा तीनों एक्सिस, ये एक्सिस वर्टिकल का साथ बीटा 14.55 डिग्री कर रहे हैं, तो इसके इधर रेजुलेट क्या कर दिया गया, जेड एक्स वाई. इसको रेजुलेट करके ये वैल्यू आया, ये वैल्यू मैं ग्राफिकली ये वैल्यू को लिया है, मतलब ग्राफिकली ड्राइंग करके लिया है, आइसोमेट्रिक का पर ड्रॉ करके फिर ग्राफिकली लेके ये वैल्यू आया है हमें. इसमें क्या आया, जेड जो है मतलब अलोंग द जेड एक्सिस 68 केजी आया, ये एक्स एक्सिस 10.5 केजी, वाई एक्सिस 10.5 केजी आया. अब मेरे पहले वीडियो का अगर देखेंगे तो आपको हम लोग मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ जो आर एक्स है ये फ्रेंच के लिए है, दूसरा फ्रेंच के लिए वो इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये अगर इसका परपेंडिकुलर है तो उल्टा जाके चेंज हो जाएगा. और हमने क्या बोला था कि उसमें जो है इसकी इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए ये दोनों का बीच में जो मैक्सिमम है वही लेंगे, बट इंसिडेंटली दोनों सेम आया, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आर एक्स इक्वल टू आर वाई इक्वल टू 10.5 केजी रखा. अभी ये जो वैल्यू मैं पिछला हमारा वीडियो में हमने इसको
एक्सप्लेन करके देखा था कि कैसे डब्ल्यू पी कॉस अल्फा आता है, तो उसका वो वीडियो को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा। आर एक्स और आर वाई इक्वल टू डब्ल्यू पी कॉस अल्फा बाई टू, ये डब्ल्यू पी है वेट ऑफ प्रॉप, बेसिकली ये आया यहां से फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ प्रॉप से। कॉस अल्फा कॉस 10.39 करके डब्ल्यू पी बाई टू करके आता है डब्ल्यू पी इक्वल टू 22 के जी, मतलब प्रॉप का वेट आएगा 22 के जी। अभी इसको क्या किया हमने, इसको हमने फॉर्मूला में डाला, ये वेट है, इसके लिए क्या है 5/4 डी एस स्क्वायर एल पी इंटू रो इक्वल टू 22। हमने कहा पिछले वीडियो में बोला कि हमको पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये सॉलिड है, सॉलिड जगह क्या आता है, देन विल गो फॉर हॉलो, क्योंकि प्रॉप ऑलवेज हॉलो में होता है, सॉलिड में होता नहीं। इसलिए क्या है यहाँ ये वॉल्यूम में आप बोल सकते हैं कि यहाँ व्हाइट है, यहाँ जी नहीं डाला, क्योंकि जी यहाँ नहीं डाला है तो यहाँ भी जी नहीं डाला, तो दोनों तरफ अगर हमें डालेगा तो दोनों तरफ जी जी कैंसिल हो जाएगा। अभी इसमें क्या क्या इसका वैल्यू मैंने पुट किया है, एलपी लेंथ ऑफ प्रॉप 4 मीटर, रो जो है 785 के जी आया इक्वल टू 22 के जी हमने किया है, तो यहां से कैलकुलेट करके आता है डी एस 0.029 मीटर है, मतलब 29 mm, तो वो 30 आता है पॉजिटिव साइड में। अभी इसको डी आई को डी मतलब प्रॉप का हॉलो है, उसको आउटर डायर और इनर डायर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ये है कि इनका लेंथ और वेट दोनों सेम रहेगा अगर मैं सॉलिड और हॉलो लू तो उसी हिसाब से हमने इसको फॉर्मूला में डाला। देखिए पाई बाय फोर कट गया, पाई बाय फोर कट गया, एल कट गया, एल कट गया, रो कट गया, रो कट गया, जी तो इधर डाला ही नहीं क्योंकि जी कट जाएगा, इसलिए तो यहां आने का बात क्या आता है, इसको इक्वेट करेंगे तो यह आता है डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एच स्क्वायर माइनस डी एच स्क्वायर। तो इसको हमको आगे ये डी एच एस डी एच आई को डी एच ओ के साथ लिंक करके हमको डी एच ओ को निकालना पड़ेगा। हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एच स्क्वायर माइनस डी एच आई स्क्वायर। हमने इसमें क्या कर लिया कि डी एच आई को हमने पकड़ लिया कि ये 90% ऑफ डी एच ओ है, मतलब आउटर डाया जो है प्रॉप का उसका 90% होता है इनर डाया। ये यहां भाग किया डीएचएस स्क्वायर इक्वल टू डीएच स्क्वायर माइनस 0.9 डीएचओ, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आता है इक्वेशन के डीएचओ इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 बाई 0.19 इंटू डीएस, डीएस मतलब सॉलिड है, इसको आप रूट ओवर से बाहर आएंगे तो क्या आएगा डीएचओ मतलब आउटर डाय ऑफ द प्रॉप, इसको रूट ओवर करके आने के बाद 2.3 टाइम्स इंटू डायमीटर ऑफ द सॉलिड रॉड, तो ये क्या आता है 2.3, हम लोग का पहले जो सॉलिड रॉड का आया था वो 30 था, ये आता है 69, तो 69 तो नहीं है इसलिए हमने इसको 70 कर दिया, मतलब प्रॉप का आउटर डायर 70 हो गया। अब इसका इनर डायर क्या रहेगा ना 0.9 इंटू 70 मतलब 63 mm हो गया, तो इसका थिकनेस क्या रहेगा 3.5 mm। हमें इसको क्या करना है, हमको इसको अभी पाइप का जो चार्ट है उसी हिसाब से इसको देखना है कि 70 mm और 63 mm, मतलब 70 mm और थिकनेस 3.5 mm मिलता है कि नहीं, अगर नहीं मिला तो इसकी जो हेड साइड है उसको यहाँ बैठा के इसके थिकनेस को बैठा के इनर साइड हम लोग इनर डाया हम ले सकते हैं। अभी ये तो आ गया, अभी इसको हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, कौन सा बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ चार कंडीशन, टेंसाइल लोड, शेयरिंग लोड, बेंडिंग लोड और बकलिंग लोड, ये इसको वेरीफाई करना है, ये आउटर डाया और इनर डाया को लेके इसको, इसलिए ये जो हमने जो कैलकुलेशन में हमको आया है यहां हम ये वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, नहीं तो क्या है उसको जब हम आगे कैलकुलेशन के लिए जाएंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको समझ में आएगा बहुत सारी फॉर्मूला लेके करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो यहाँ हम क्लोज कर रहे हैं। जैसा मैं आप लोग का सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यू पीपल आर ऑल्सो डूइंग दैट, कि हमारा ये जो वीडियो है इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए,
क्या जो जो नया चीज आएगा वो आप लोग के पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, शेयर करने से बहुत सारे आदमी को भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं ये पार्ट वन को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ और पार्ट टू को बहुत जल्दी लोड कर रहा हूँ। टिल देन गुड नाइट।